शांति, जब हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाती है तो रूहानी सहनशीलता भी सहज रूप से हमारे भीतर आती जाती है। सहनशीलता का अर्थ ये नहीं है कि चीजें जैसी है उन्हें वैसी ही छोड़ दिया जाए, जैसे दुनिया का ये दृष्टिकोण है कि यदि दर्द हो रहा है तो इसे सहन कर लो। रूहानी सहनशीलता आपको संकटपूर्ण स्थिति में धीरज रख इसे हल करने के लिए उपाय ढूंढने की सामर्थ्य प्रदान करती है। इसका कारण ये है कि सहनशीलता का स्तर व शक्ति असहनशीलता, अहंकार व क्रोध के स्तर व शक्ति की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा है। इसका अर्थ है कि सहनशीलता के कारण आप किसी स्थिति में समझदारी, सावधानी व रहम से काम लेते हैं। जहां मैत्री व प्रेम की भावनाएं हैं, वहां कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। किसी चीज को सहन करना ये दर्शाता है कि आप में दया भाव है, आप सहयोग करने का लक्ष्य रखते हैं और समाधान की दिशा में कार्य करते हैं। सहनशीलता दूसरों का दिल जीत लेती है और हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाती है। यदि आप रूहानी प्रगति करना चाहते हैं और दूसरों की प्रगति में सहायक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। ये एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है जो चरित्र का निर्माण करती है तथा मन को अनुशासन में रखती है। अनुशासित मन का अर्थ है शांत और प्रसन्न मन। एक शक्तिशाली मन कभी व्याकुल नहीं होता। इस शक्ति का विकास करने के लिए ईमानदारी धारण करो तथा ईश्वर से प्रेम करो और उनका आदर करो। ऐसा करने से आप भौतिक व भावनात्मक परिमंडल के विपरीत प्रभाव से स्वयं की रक्षा कर सकेंगे। जब दूसरों की दुआएं मिलती है तो वे भी आत्मा के लिए शांति का एक अन्य स्रोत है। आपने जिनकी सेवा की है उनसे आपको दुआएं प्राप्त होती है, और इस प्रकार की आंतरिक शक्ति की लेन देन करना दूसरों की सेवा का एक बहुत अच्छा साधन है। दूसरों को शक्ति वे ही दे सकते हैं जिन्होंने अपने दृष्टिकोण व कर्मों में ईश्वरीय गुणों को अपनाया होगा। इस प्रकार का पथ प्रदर्शन करने व ज्ञानदान देने का अर्थ है जीवन दान देना। इससे ही हमारी आत्मिक चेतना जागृत होती है। जीवन की एक सुंदर स्थिति आत्मिक चेतना की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति का पूरा आत्मा अनुभव शारीरिक व्यक्तित्व से हटकर आध्यात्मिक हो जाता है। आत्मिक चेतना में अब आप स्वयं को पहले की भांति पुरुष या स्त्री, गोरा या काला नहीं समझते। हमारा आत्मगौरव किसी सांसारिक प्राप्ति पर भी आधारित नहीं रहता। ईश्वर का बच्चा होने के कारण हमारी निजी योग्यता के गहरे स्थिर अनुभव से हमको आत्मगौरव निर्मित होता हुआ अनुभव होता है। आत्मिक चेतना की कमी से आपका हित वातावरण पर आश्रित हो जाता है। आप आसपास के व्यक्तियों वह परिस्थितियों के प्रभाव के अधीन हो जाते हो, और जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तभी ठीक ठीक वह प्रसन्न रहते हो। इस प्रकार की निर्भरता से आत्मा कमजोर व संभ्रमित हो जाती है। दूसरी तरफ आत्मिक चेतना आपको बाह्य प्रभावों से मुक्त करती है तथा आंतरिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है, जो कि पूर्णतया स्वतंत्र है। सुविचारित अभ्यास से ही आत्मिक चेतना की स्थिति बनाई जा सकती है तथा इसके लिए पुरुषार्थ सिर्फ वे ही करेंगे जिन्होंने इस प्रकार के सच्चे आंतरिक आत्मसम्मान की आवश्यकता समझी है। आत्मसम्मान हेतु आपने जो संकल्प लिया है उसकी परीक्षा लेने के लिए कई प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, जैसे शारीरिक बीमारी, संबंधों में कठिनाई, अतीत की स्मृतियां आदि।
फिर भी धैर्य व आत्मनिरीक्षण के द्वारा आप ये समझ जाओगे कि कैसे ये परीक्षाएं आई और आपके रूहानी व्यक्तित्व को समर्थ बनाने का साधन बनी। आत्मिक चेतना हमारी इंटरनल कैपेसिटीज को और पावर्स को आए दिन बढ़ाते जाती है और हम खुद ही अपने न्यू पावर्स को एक्सप्लोर करते जाते हैं। न्यू कहने से बेहतर वो डोरमेंट थे, उसे पुनः जागृत करते जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:15 बजे। ओम शांति।